सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग द सेल स्ट्रोक। साल 2019 में हमें लास्ट अपीयरेंस देखने को मिलता है WWE के टेलीविजन पे डीन एम्ब्रोस का। डीन एम्ब्रोस साल 2019 से ही WWE से गायब है, लगभग 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। डीन एम्ब्रोस का हमें WWE में अपीयरेंस देखने को नहीं मिला है, तो डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, और चलिए सेल वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस देखो, जो भी WWE को साल 2019 से फॉलो कर रहे होंगे और जो भी डीन एम्ब्रोस के फैन होंगे, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि साल 2019 ही वो साल रहता है जब लास्ट टाइम डीन एम्ब्रोस को हम लोग WWE में देखते हैं। और डीन एम्ब्रोस का जब WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं। 2019 में ही हमें न्यू ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन देखने को मिलती है रेसलिंग के इंडस्ट्री में, और वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और वो वहाँ पर चले जाते हैं। राइट नाउ वो एक ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार हैं, और डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली, जिनको हम लोग ऑल एलीट रेसलिंग में डीन एम्ब्रोस के नाम पे नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली के नाम पे जानते हैं, तो जॉन मॉक्सली वहाँ पे 2026 या 2027 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन में है। लेकिन गाइस ये पहली बार नहीं होगा कि कोई सुपरस्टार करेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बावजूद भी AEW को छोड़ के WWE में वापस आ जाता है। जैसे कोडी रोड्स, शॉन स्पेयर जैसे सुपरस्टार हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वो ऑल एलीट रेसलिंग से WWE में आ चुके हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा गाइस कि क्या साल 2027 से 26 से पहले हमें डीन एम्ब्रोस का WWE में रिटर्न देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन गाइस मेरे ख्याल से डीन एम्ब्रोस का आज नहीं तो कल WWE में रिटर्न होने ही वाला है। वेल गाइस, कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप मुझे जाके बता सकते हो। अब देखो, डीन एम्ब्रोस WWE को छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि वो WWE का जो भी बुकिंग था उससे खुश नहीं थे, उनको फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण से वो WWE को छोड़ के चले जाते हैं। इनफैक्ट 2019 में हमें रॉ के एपिसोड में उनका फेयरवेल भी देखने को मिलता है। लास्ट टाइम हम लोग शील्ड को 2019 में ही देखते हैं, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा गाइस कि हमें डीन एम्ब्रोस का कब WWE में रिटर्न देखने को मिलता है। वेल गाइस, कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप मुझे जाके बता सकते हो। तो बाय बाय फ्रेंड्स।